लिखा हुआ है यहाँ पे हम जाएंगे और इसके कनेक्शन कैसे है सीपीयू से देख रहे हैं ये जो कनेक्शन ये दिए गए हैं। इसके बाद जो है जैसे कार्ड रीडर है लैन है डब्ल्यू लैन है लोकल एरिया नेटवर्क वाइड एरिया नेटवर्क तो वो कैसे है सीपीयू से भी कनेक्टेड है और एएमडी मतलब ग्राफिक आईसी से भी कनेक्टेड है ये देख रहे हो ये ग्राफिक आईसी से भी कनेक्टेड है। इसके बाद जैसे डीडीआर 3 रैम जो दो पोर्ट दिए जाते हैं 2 4 जीबी पेज नंबर 12 पर जो रैम की जो सप्लाई आती है उसमें आती है ग्राफिक कार्ड की नहीं जाती वो किसमें जाती है सीपीयू पे देख रही है सीपीयू पे जाती है। इसके बाद डीडीआर 3 जो एक 900 मेगाहर्ट्ज के जो क्रिस्टल लगा होता है वो भी इसी से कनेक्टेड होता है सीपीयू से एएमडी एक आईसी है ना कंट्रोलिंग आईसी से कनेक्टेड होती है। इसके बाद एचडीएमआई पोर्ट है एलवीडीएसडब्ल्यू है ये सब कैसे होते हैं सीपीयू से ठीक है। तो ये इसकी एक बेसिक सर्किट होगी जाती है। अब अगर जैसे यहाँ पे जो लिखा है स्पीकर ले लो या माइक ले लो एनॉक कुछ भी ले लो अगर हमें उसकी जानकारी चाहिए कि उसके उसकी सप्लाई कहाँ कहाँ से आती है तो वहां पे पहुंच जाएंगे। जैसे स्पीकर यहाँ पे दिख रहा है ठीक है यहाँ पे लेते हैं स्पीकर तो यहाँ पे क्या लिखा PG 25 35 तो यहाँ पे 1 लिखा है यहाँ पे इस जगह पे यहाँ करेंगे 25 25 और एंटर वाले बटन दबा देंगे तो हम देखो यहाँ पे स्पीकर वाले सेक्शन पे पहुंच गए पेज नंबर 25। इसको यहाँ से हम जाके थोड़ा जूम कर लेते हैं खड़ा कर लेते हैं ऐसे खराब बॉडी पर है। CNT स्पीकर स्पीकर होते हैं वो कहाँ पे लगे हैं CN11 कनेक्टर 11 पे 4 पिने आ रही है 1 2 3 4 दिख रहा है ये 1 2 3 4 नंबर का है और उसका थोड़ा जूम करते हैं स्पीकर। अब ये किससे कनेक्टेड है ठीक है L+ मतलब कि लेफ्ट स्पीकर जो है उस पर प्लस सप्लाई और माइनस सप्लाई एल स्पीकर आप माइनस ठीक है ये 1 और 2 पे सप्लाई आ रही है कहाँ से आ रही है L1 से आ रही है L61 और L60 से आ रही है ठीक है। इसके बाद जो इसके राइट जो स्पीकर है उसकी प्लस माइनस सप्लाई कहाँ से आ रही है L58 और L59 यहाँ पे कॉइल का सिंबल दिया गया L का मतलब कॉइल होता है और सभी में इसकी फ्रिक्वेंसी को फिल्टर करने के लिए क्या क्या लगा इसी में भी एक कैपेसिटर लगा है ठीक है C748 ये कौन से है नॉन पोलर कैपेसिटर है और एक सिरे सभी के ग्राउंड है ठीक है हर एक सप्लाई पे एक एक कैपेसिटर लगा है C740 43 45 48 ठीक है और इसका एक सिरा माइनस है यहाँ पे GND का सिंबल दिया गया है स्पीकर पे यहाँ पे इन कॉइलों की सप्लाई कहाँ से आती है तो वो थोड़ा देखते हैं यहाँ पे एक आईसी लगी है जिसका नाम है डिजिटल और एनालॉग एनालॉग को डिजिटल में और डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करती है जैसे इसका नाम है U27 है इसका ठीक है इसी यही आईसी का जब जिसे हम लोग बोल रहे हैं तो ये क्या है एनालॉग है कंप्यूटर के अंदर जो डेटा है वो क्या है डिजिटल है तो डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करती है और एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करती है ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो इसकी पेज नंबर क्या है स्पीकर पोर्ट DL+ लिखा है 40 41 44 लिखा L SPK1 यहाँ से सिग्नल आउट हो रहा है ठीक है और यहाँ पे आगे भी लिखा है 2 इंटरनल स्पीकर ठीक है और यहाँ पे 43 राइट के लिए है और 44 है वो भी राइट के लिए तो मतलब कि इस आईसी से मतलब कि U27 आईसी से जो एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर आईसी है इससे ये सिग्नल निकलते हैं स्पीकर के लिए ठीक है स्पीकर के लिए 40 41 43 44 नंबर पिन से ये जाते हैं कहां पे जो आपको हमने चेक किया देख रहे हैं LSDK+LSDK- ठीक लेफ्ट और राइट राइट की गई है तो वही सिग्नल यहां से ये आउट हो रहा है LSDK+LSDK- स्पीकर का मतलब होता है यहाँ पे स्पीकर से ठीक है।